Hi, this is Rakhi Sawant and you're watching BollywoodHangama.com. Keep watching. Do subscribe and hit the bell icon. आज हमारे साथ हैं राखी सावंत एंड अपने बेबाक बयानों के लिए आजकल वो सुर्खियों में हैं और मी टू मूवमेंट से रिलेटेड तो हम लोग बात करेंगे उनसे. राखी जी, प्लेयर हैविंग यू बैक ऑन बॉलीवुड हंगामा. फर्स्ट ऑफ ऑल राखी जी, अभी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी हुई है और ये इस तरीके से कहा जा रहा है कि आप एक औरत होकर आप औरतों के खिलाफ जा रही हैं, क्या कहना है आपका इसके बारे में? मतलब एक औरत होकर एक औरतों के खिलाफ कैसे जा रही हूँ? मतलब ये है कि इंसानियत भूल जानी चाहिए इंसान को. एक मैं क्योंकि मैं एक औरत हूँ इसलिए गलत औरतों को सपोर्ट करूँ और जो हमारे हिंदुस्तान में जो आदमी उनको बदनाम करने की कोशिश कर रही है, झूठ को सपोर्ट करूँ मैं? मेरे ईश्वर ने, मेरे परमेश्वर ने मुझे झूठ को सपोर्ट करने सिखाया ही नहीं है. मैं क्यों सपोर्ट करूँ जब मुझे पता है कि कुछ औरतें हैं वो जो झूठ बोल रही है? और मैं अपनी इंडस्ट्री के बारे में जानती हूँ, अपने लोगों के बारे में जानती हूँ. मुझे तो लगता है मैं पैदा भी वहीं हुई हूँ. बचपन से मैं भाग के आई थी इंडस्ट्री में जी. मैंने अपनी आंखों से इंडस्ट्री को बढ़ते हुए देखा है, अपने आप को बड़ा होते हुए देखा है. अपने बचपन, अपनी जवानी मैंने इंडस्ट्री में निकाली है. मैं कब बड़ी होगी मुझे पता नहीं चला इंडस्ट्री में. राइट. तो मुझसे ज्यादा इंडस्ट्री कौन जानेगा? कल के आए हुए जब आपको काम नहीं मिल रहा है, आप कुछ नहीं हो और आके आपको ऐसा लगता है कि चलो मैं बॉलीवुड में नहीं तो मैं पूरे अब खुद सती सावित्री बन जाऊं और बॉलीवुड को बदनाम कर दूं, तो इतना आसान है क्या? क्या आप एक झटके में बॉलीवुड को बदनाम कर देंगे, बॉलीवुड के लोगों को बदनाम कर देंगे? मैं झूठा साथ किसी का क्यों दूं? अगर किसी महिला ने बुरा किया तो किया है, अगर किसी आदमी ने बुरा किया तो किया है. मैं सच्चाई का साथ देती हूँ, मैं महिलाओं के खिलाफ नहीं हूँ जी. नहीं, लेकिन जैसे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने जिस तरीके से आपने तनुश्री दत्ता पे आपने इल्ज़ाम लगाया कि वो लेस्बियन है, उन्होंने आपका रेप करने की कोशिश की, तो क्या सबूत है आपके पास? बगैर सबूत के इस तरीके से आपने आपने इतना बड़ा आपने इल्ज़ाम लगाया. जिसके पास सबूत नहीं होता क्या वो उसको शिकायत नहीं करनी चाहिए? जिसके पास सबूत नहीं होता उसको कोर्ट कचहरी नहीं जाना चाहिए? जिसके पास सबूत नहीं होता मतलब वो झूठा है? जिसके पास सबूत नहीं होता मतलब उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है? तनुश्री दत्ता के पास क्या सबूत है कि नाना पाटेकर ने उसे छेड़ा है? तनुश्री दत्ता के पास क्या सबूत है कि एमएनएस के लोग वहां पे आके उसकी गाड़ी वाड़ी तोड़े थे? वो झूठ पे झूठ बोली जा रही है तनुश्री दत्ता. और पूरा हिंदुस्तान के लोगों को, सॉरी एक गंदा वर्ड बोल रही हूं, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को चूतिया बनाए जा रही है. और हिंदुस्तान के लोग चूतिया भी बन रहे, कुछ पार्ट कुछ लोग उनकी आंखों में धूल डाल रही है एक महिला. राइट. आपने ये भी कहा है कि वो वीजा, यूएस वीजा के लिए उन्होंने बहुत सारे कारण हैं. ग्रीन कार्ड तो ऑलरेडी उनके पास में है शायद. नहीं, बहुत सारे कारण हैं. मुंबई पुलिस से भी मेरी बात हुई है. आके इन्फॉर्मेशन लोग देते हैं कि पासपोर्ट का कुछ इशू है, पासपोर्ट वीजा का कोई इशू है. अब जब तक वो प्रॉपर अपन देखेंगे नहीं अपने को नहीं पता चलेगा. वो आपको या तो आपको पुलिस को पूछना पड़ेगा या आपको जो वीजा स्टैंप लगाते हैं ना, क्या कहते हैं उसे, उनको पूछना पड़ेगा जी कि स्पेश प्रॉब्लम क्या है. और वो अपनी या तो दो तीन है, दो तीन चीज़ें हैं अपनी बहन को एस्टैब्लिश करने आई इंडस्ट्री में. खुद पैसे कमाने आई हैं, वापस अपने बैंक में उस जीरो हो गया था तो फिर से कमाने आई है. बहुत सारी चीज़ें हैं. मुझे तो तलाक दे के चली गई थी, छोड़ के चली गई थी मुझे. मुझे तो तलाक दे दिया था 12 साल पहले आपके साथ में इस तरीके से उनका कोई रिलेशनशिप. लेकिन आपने 12 साल पहले की आज की बात नहीं, आज मैं सुधर गई हूँ, आज मैं प्रभु में हूँ, आज मैं पवित्र हूँ. 12 साल पहले मेरे साथ बलात्कार हुआ था. मैंने 12 साल तक नहीं बताया क्योंकि मुझे पता है हमारे हिंदुस्तान की जो दिमाग वो इतना है, हमारी लक्ष्मण रेखाएं हैं, कोई यकीन नहीं करेगा. हाँ, एक लड़की लड़की कैसे कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती है भाई साहब? रेप रेप होता है, चाहे आदमी करे, चाहे औरत करे, चाहे जानवर करे. राइट. लेकिन यू नो फिर ये भी कहा जाएगा कि भाई आपने अगर इस तरीके से आपके साथ कुछ गलत हुआ था तो मे बी शायद आपको पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए थी 12 साल पहले, कुछ इस तरीके का. कानून कभी लॉ लागू नहीं हुआ था ना 377 का, यू नो होमोसेक्सुअल जो लोगों के लिए, जो गेज है, जो लेस्बियंस है. मैं भी ओपनली इसलिए आ रही हूँ क्योंकि वो जो कानून है वो लीगली हो चुका है. ओके, यू नो राखी जी, एक हॉस्टलों में भी होता है. मैं भी लेडीज हॉस्टल में थी, मुझे पता है. लड़की लड़कियां सेक्स करती है, लड़के लड़के सेक्स करते हैं. जी बिल्कुल, सच्चाई है इसमें, इसमें सच्चाई, कोई डाउट नहीं, बिल्कुल. और मैं पहली हिंदुस्तान की लड़की नहीं हूं कि जो मेरे साथ सेक्स हुआ है, लड़की ने किया है. बहुत सारे ऐसे हैं जो हिडन है.
ओके, लेकिन राकेश जी ये भी कहा जा रहा है कि दैट आपने ये आपने सारा आप जो इल्ज़ाम इस वक्त आप कर रही हैं वो इस वजह से कर रही हैं बिकॉज उन्होंने 10 करोड़ का करीबन आपके ऊपर जो डिफेमेशन केस किया है, इस वजह से आप आउट ऑफ रिवेंज आपने ऐसा कुछ भी नहीं, मैं कोई रिवेंज नहीं लेती जी। हाँ मैं मानती हूँ कि 10 करोड़ का उन्होंने मुझ पर केस किया, मुझे तो गुस्सा आया ही है, नो डाउट। अब मीडिया के सामने तुम जा रही हो, मीडिया मीडिया खेल रही, तो मैं भी तो मीडिया मीडिया खेलूँ ना। तुम पुलिस स्टेशन पहुंचोगी तो मैं कोर्ट पहुंच जाऊंगी। तुमने मेरा बलात्कार किया है तो मैंने बताया मीडिया को। तुम बहुत शान से जाके मीडिया में राज ठाकरे जी को नीच कह रही थी कि उन्हें बाला साहब की कुर्सी नहीं मिली। तुम नाना पाटेकर जी को नीच, गिरा हुआ इंसान, कल्पित इंसान, बलात्कारी इंसान कह रही हो न्यूज चैनलों में जाके, हालांकि वो है नहीं। तुम जज खुद बन गई और मीडिया ने खुद ही जज कर लिया वन साइडेड, है ना। मीडिया को अधिकार या लाइसेंस कोई देते क्यों दिया गया है कि मीडिया को सिर्फ खबर पहुंचानी है, मीडिया को जज नहीं करना है लोगों को। जज करने के लिए कोर्ट है, न्याय करने के लिए कोर्ट है, और मीडिया ने, हिंदुस्तान के लोगों ने वन साइडेड कैसे जज कर लिया? सिर्फ औरत को सुना, आदमी को क्यों नहीं सुना? औरतों के लिए, उनके इंसाफ के लिए, उनकी भलाई के लिए कानून बनाए गए मेरे दोस्त, तो उस कानून का नाजायज फायदा औरत नहीं उठा सकती है। ये उन औरतों के लिए कानून है जो सचमुच पीड़ित है। ये कहां से पीड़ित है? ये पीड़ित नहीं है। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि जो भी अटैक भी जो जिस तरीके से तनुश्री के ऊपर हुआ, तो उसमें बेसिकली मीडिया के साथ में हुआ था। कहां हुआ अटैक? आप मुझे बता दीजिए ना, सेट पे तो मैं भी थी। एक बताइए बात, 200 डांसर सेट पे हैं, करोड़ों के सेट पर 300 यूनिट है। मैं गाड़ी के अटैक की बात कर रहा हूँ। मैं गाड़ी का नहीं, नहीं एक बात, पहली बात तो मैं बोलती, पहले मैं आपको ये बताती हूँ, उसके बीच में एक बड़ा स्टार, सुपरस्टार आता है और हीरोइन को, आइटम गर्ल को छेड़ता है, ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन तनुश्री पॉसिबल नहीं है। तनुश्री तो कुछ भी बोलेगी कि उनका कहना है कि दैट नाना वाज नॉट रिक्वायर्ड ऑन द सेट। झूठ बोल रही है। वो गाना मैंने भी तो किया, तो 2 घंटे में गाना कैसे चेंज हो गया आप बताइए मुझे? उसमें मेल वॉइस है, गाना देखिए ना आप, गाना मैंने आपको भेजा, देखिए 2 घंटे में, 2-3 घंटे में कैसे चेंज हो सकता है? तो उसमें मेल वोकल्स भी हैं? हाँ, डांसिंग है नाना का पाटेकर का। और एक बात बताइए, वो आइटम सॉन्ग के लिए आई है, फिल्म का नाम है हॉर्न ओके प्लीज। तो ये अपनी जो ट्रक रहता है उसका बर्थडे मनाता है, तो बर्थडे मनाने के लिए पैसे कमाया है, तो एक आइटम गर्ल को बुलाता है, तो ये अपने आपको मिस इंडिया कहती है। इसे हीरोइन का ही शौक था, तो आइटम गर्ल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन क्यों किया? आइटम गर्ल का मतलब क्या होता है? जब एक राइस प्लेट होती है उसमें तड़का, छौंक, एक्स्ट्रा छौंक, जिसे सेक्सी कपड़े पहनने पड़ते हैं, जिसे बूब्स दिखाने पड़ते हैं, जिसके टांगे दिखानी पड़ती है, जिसको थोड़ी ऐस दिखानी पड़ती है, तो जिसको थोड़ा मसाला। आइटम गर्ल का मतलब वो होता है कि एक थाली में फीका थाली में खाना है, तो एक छौंक पूरी फिल्म में एक आइटम गर्ल का तड़का। तो तुमको क्या, उधर तनुश्री दत्ता तुम्हारी आरती उतारने तुम्हें पूजा करने बुलाया था क्या? हीरो है सेट पे आपके साथ, उसका गाना है, अब रिहर्सल करने के लिए पहले 2 बार असिस्टेंट के साथ रिहर्सल किया नाना पाटेकर ने, तीसरी बार हीरोइन के साथ तो रिहर्सल करना पड़ेगा ना, हाथ पकड़ना न जाओ, जैसे मीना कुमारी जी ने, इतनी बड़ी हीरोइन मीना कुमारी जी ने कहा था, न जाओ सैया छुड़ा के बैया कसम तुम्हारी, पल्लू गिराया था उन्होंने, मैं रो पड़ूंगी। अरे मीना कुमारी जी ने कहा किया, अरे तुम कौन सी खेत की मूली हो तनुश्री दत्ता? आइटम गर्ल देखिए, आपने आइटम सॉन्ग अभी तक कितने किए देखे? कटरीना ने किया, करीना ने किया, हलकट जवानी का मतलब, अब हलकट जवानी क्या गाना था करीना का, कटरीना का चिकनी चमेली, इन्होंने कैसा डांस किया। अब इसमें हीरे लगे हुए हैं क्या कि इसको कोई छुएगा नहीं, ये अछूत है क्या? ये अछूत है तो नहीं छुएगा भैया। राकेश जी ये बात तो आप मानेंगे कि भाई एक आप औरत होने के नाते आप ये चीज तो एक्सेप्ट करेंगी कि एटलीस्ट एक जो तनुश्री ने जो एक डिबेट, अरे मेरे औरत होने के नाते एक बात बताइए, डिबेट तो स्टार्ट करी है उन्होंने कि दैट कि औरतों का शोषण जो अगर होता है
वो अलग की बात है कि कुछ फॉल्स केसेस भी आ रहे हैं और गलत इल्जाम भी लोगों पे लग रहे हैं। आप लोगों के सामने हाथ जोड़ती हूँ। आप कहते हो कि राखी तेरा ये कैसा रूप है काली का, मेरा काली पूजा आने वाली और मेरा काली का रूप जो है ना, मेरे कान थक गए सुनते सुनते, औरतों पे अत्याचार हो रहा है। नहीं हो रहा है औरतों पे अत्याचार बॉलीवुड में, उन छोटी छोटी 5-5 साल की 10-10 साल की लड़कियों पे अत्याचार हो रहा है गांव में या कहीं और, जो सीधी साधी लड़कियां हैं जो फिल्मों के सीन देखकर, रेप सीन देखकर जो लोग छोटी छोटी बच्चियों के साथ करते हैं वो अत्याचार है। ऐसे लोगों को फांसी की सजा दो या ऐसे लोगों का वो जो सामान है वो काट दो। समझ रहे हो, फिल्म इंडस्ट्री में रेप नहीं होता है। आपने कहा है कि लड़कियों को इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री में रेप नहीं होता है, लड़कियां खुद देती है। आप बोलोगे आप महिलाओं के, आप ऐसा बोल रही है? हाँ, एक दिन में 1000 लड़कियां आती है कहां कहां से हीरोइन बनने के लिए। इनको ऑडिशन नहीं करना है, इनको एक्टिंग नहीं सीखना है, इनको डांस नहीं सीखना है, इनको कुछ नहीं सीखना है। तैयार होके आती है और आके एकदम पूरा एकदम पल्लू उल्लू गिरा के एकदम बूब्स एकदम ऊपर ऐसे पुशअप करके बैठ जाती है। सर मुझे काम चाहिए, सर मेरी ले लो लेकिन मुझे हीरोइन बना दो। अबे तेरी क्या ले, तू एक्टिंग तो सीख ले, डांस तो सीख ले, प्रोड्यूसर तो तेरी ले लेगा, कैमरे के सामने क्या करेगी तू? वो एक बार ले लेगा, उसका स्ट्रिंग ऑपरेशन बना देगी, फिर जिंदगी भर उसको ब्लैकमेल करेगी। तुम्हारा वीडियो है मेरे पास, हीरोइन बनाओ मुझे। और अगला बंदा तो आप कह रही कि ब्लैकमेल भी होता है? ब्लैकमेल, ऐसे वीडियो दिखा दूंगी मैं ब्लैकमेलिंग के, वो प्रोड्यूसर को झक मार के उसको हीरोइन बनाना पड़ता है, चाहे एक्टिंग आए ना आए, मैं किसी का नाम नहीं ले सकती हूं। क्योंकि उसको डर लग रहा है मेरी बीवी बच्चों को बता देंगे तो तलाक हो जाएगा या नाम उसका बदनाम हो जाएगा। पहले तो एकदम अदा है, एकदम निकाल के सर मुझे ले लो, सर मुझे फिल्म में ले लो, एकदम मैं आपको जो जो बोल रही हूं ना, हर रेस्टोरेंट में, हर बरिस्ता में, हर एक वाइन पिला दिया, खुद पी लिया, उसको 4 पिला दिया, वो तो पागल हो जाएगा। लड़की को, लड़की के चेहरे को कम बुप्स पे ज्यादा दिखेगा प्रोड्यूसर। यार तुम आदमी को प्लेट में लेकर आओगे वो तो खाएगा ना, मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं, लेकिन सुबह, अच्छा एक बता, सुबह बता, जी, तुम किसी कहीं और से आयोग और अलग प्लैनेट से आयो मेरे दोस्त, तुम्हें क्या लगता है जो मैं बोल रही हूँ सच नहीं बोल रही हूँ? नहीं, तुम चलो आप मेरे साथ चलो हर जगह देखो। जी जी, टाइट पैंट बम दिख रहे, इतने शॉर्ट टॉप पहन के बैठी है। अब जैसे देखिए लड़कियां कह रही है मैं आपको नहीं बोलने दूंगी यहाँ, मुझे गुस्सा आ रहा है। मैंने लड़कियों को मैं बोलती हूँ तुम 100 जगह जाओ, ऑडिशन करो, डांस करो, शॉर्ट स्कर्ट पहनो लेकिन शॉर्टकट मत अपनाओ, शॉर्ट स्कर्ट पहनो लेकिन शॉर्टकट और टीवी में पहनो, फिल्मों में पहनो। मैं जब घर से बाहर निकलती हूँ तो मेरी शक्ल तो अजीब दिखने लायक है विदाउट मेकअप, देख नहीं सकते आप, और मैं तो पूरे कपड़े ऐसे भिखारन की तरह निकलती हूँ मैं। लेकिन जब मैं फिल्मों में रहती हूँ तो पूरे गेटअप के साथ रहती हूँ, बहुत छोटे कपड़े पहनती हूँ क्योंकि वो मेरी रोजी रोटी है, रियल लाइफ है। रियल लाइफ में तो मैं एकदम सिंपल रहती हूँ। और ये जो भी मैं लड़कियों के लिए, बॉलीवुड में लड़कियों के लिए मैं कह रही हूँ, बिल्कुल सच कह रही हूँ। आप कह रहे हो कि मर्दों को बहुत, तू राखी जी आप बचा रहे हो, नहीं बचा, ना मर्द को बचा रही हूँ ना किसी को बचा रही, मैं सच्चाई हकीकत के। नहीं, लेकिन राखी जी चलिए ठीक है, आपकी बात मान ली, लेकिन देखिए फिर भी आप बताइए कि अभी जैसे केट शर्मा ने पुलिस कंप्लेन करी है कि सुभाष भाई जी ने, सुभाष केट शर्मा एक मॉडल, सुभाष भाई जी ने उनको मसाज करने के लिए बोला, तो वो तो गलत है राखी जी? कहाँ मसाज करने बोला, नीचे ऊपर? अब ये तो वही बेहतर बता, पूछा क्यों नहीं आपने, मुंह पे बोला। वो केट शर्मा मसाज वाली होगी, उसे एक्टिंग नहीं करना होगा। और कभी कभी हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर पिता समान भी होते हैं, हर लोग बुरे नहीं होते। तो केट शर्मा हीरोइन बनने आई होगी, इसने भी एक डाला होगा, क्या बोलते झाल, सुभाष भाई जी झाल में फंसे नहीं होंगे, झाल द ट्रिप नहीं फंसे होंगे शायद। तो इसको ऐसा लगा चलो इन्होंने मुझे हीरोइन नहीं लिया, बहती गंगा में मैं हाथ धो लूं। लड़कियां आजकल बहती गंगा में हाथ धो रही है, चलती ट्रेन में से चढ़ रही है, उतर रही है। ये आपने बोला इसके बारे में? नहीं, 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 वो मसाज वाली होगी,
और कभी कभी पिता समान भी होते हैं। नहीं, उन्होंने कहा कि मैंने मसाज किया, लेकिन ये कि दैट उसके बाद फिर सुभाष जी कुछ और उनसे एक्सपेक्टेशंस थी जो कि शायद उनको अच्छा नहीं लगा, तो उसने वो किया, उनके हिसाब से नहीं किया उन्होंने। तो जब नहीं किया तो बोला क्यों? पहले मसाज करती तब उनके साथ अत्याचार होता जबरदस्ती, जब मसाज ही नहीं किया तो फिर खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बारहने का मतलब, जब तुमने मसाज ही उधर किया नहीं है, उसको प्लेजर ही नहीं दिया, तो फिर बोला क्यों? क्यों बोला सुभाष गई? क्या छोटी मोटी चीज है? चांद है वो, छोटी मोटी चीज है सुभाष गई। माधुरी जी को जिन्होंने बनाया, जितनी बड़ी बड़ी हीरोइन है, देशभक्ति पे फिल्म, हर कर्म अपना करेंगे है वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे, ऐसी कुत्तियों के बारे में सुनने के लिए उन्होंने ऐसी देशभक्ति की फिल्म बनाई है? शर्म आनी चाहिए ऐसी लड़कियों को जो उन पे आरोप डालती है। लेकिन साजिद खान तो आप मानेंगे क्या उनके बीवी बच्चे नहीं है? फॉर एग्जांपल साजिद खान के जिस तरीके की चीजें सामने आई हैं कि साजिद खान का मतलब काफी लोगों ने कहा कि दैट उनके वो घर पे गई और साजिद खान ने उनसे गलत चीजें करने के लिए बोला, तो वो भी सही नहीं है कि मेरी बात सुनिए, काफी लड़कियों ने सामने आई हैं इस तरीके। आपने देखा क्या कि साजिद खान ने किया? नहीं, सबूत किसी के पास नहीं है। हाँ, कल मैं कहूँ मोदी जी ने मेरा रेप किया, राहुल गांधी जी ने मेरा रेप किया, मैं गई थी, मेरे पास मोदी जी के फोटो है मेरे साथ, क्यों मेरे पास फोटो है, तो आप यकीन मानेंगे? मोदी जी संत आदमी है, साधु आदमी है, मुझे तो ऐसा लगता मोदी जी ने कभी सेक्स भी नहीं किया होगा। नहीं, मैं बता रही हूं, ये इल्जाम लगाना 2 मिनट का काम है, लेकिन उनको पता नहीं है किसी को, क्यों आप इल्जाम लगाते हो? कल मैं, डोनाल्ड ट्रंप ने मेरा सेक्स किया, डोनाल्ड ट्रंप, मैं तो अमेरिका जाती रहती हूं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने मुझे बहुत प्लेजर दिया, तो तुम लोग यकीन मानोगे? बोलने में क्या जाता है? मैं झूठे इल्जाम जिंदगी में किसी पे नहीं लगाऊंगी, ना मोदी ने मेरा सेक्स किया है मुझ पे, ना राहुल जी ने किया है, ना डोनाल्ड ट्रंप ने। अच्छा, मैं तो एक कहावत बता रही, जैसे मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि दैट अगर जैसे कोई घर पे अपने ऑडिशन के लिए बुलाए, क्या लड़की किसी एक्ट्रेस को जाना चाहिए? पहली बात तो घर पे गई क्यों? जब मैं स्टार्टिंग में आई थी ना बॉलीवुड में, तो कुछ चुतिये जैसे ना, सॉरी मैं गाली बोल रही हूँ, तो मुझे जब मैंने नया सिलिकॉन ऑपरेशन करवाया था, मैं सच कहती हूँ, तो मुझे कहते थे ओ तुम इतनी छोटी हो, तुम्हारे बूब्स इतने बड़े कैसे हैं? मैंने कहा सर अभी अभी डलवा के आई हूँ। आप लोग कहते थे ना कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तुम्हारे में क्या है, तो हर हीरोइन से बड़े हैं मेरे। आपको पता है मुझे कितना दर्द होता था? ऑपरेशन थिएटर में जाके लड़ गई थी, आइटम गर्ल बनने के लिए मैंने कितना सेक्रीफाइस किया। मुझे बोलते अच्छा दिखाओ एक बार तो आइटम सॉन्ग देता हूँ। मैंने कहा हराम खोर, तुझे दिखाऊँ मैं? तुझे गाना दे देना तो दे, वरना चल निकल। मेरी ऐसी गंदी लैंग्वेज रहती थी, और तुझे इधर ही पिटूंगी। ओ नहीं सॉरी सॉरी मैडम। जब लड़की ऐसी स्ट्रांग बन जाए ना, तो किसी की औकात नहीं होती है कि आपको कोई बटन खोलने के लिए बोले। मुझे भी कॉम्प्रोमाइज कर, स्टार्टिंग में बोल रहे थे, मैं तो पीटती थी भयंकर। तो आपको ये कहना है मैं तो पीटती थी मेरे दोस्त। आपका ये कहना है कि अगर अगर जो भी आपको अगर मना करना है आपको उसी वक्त करना मेरे चाहिए। दोस्त, मैं ठुकाई करके कॉम्प्रोमाइज करके फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आई हूं, मैं मेहनत करके आई हूं, और मैं अपनी जिंदगी को, अपने बॉलीवुड करियर को मेहनत करके आई हूं। मैंने अंग प्रदर्शन किया, अपने शरीर का हिस्सा दिखाया, लेकिन हम बिस्तर नहीं हुई, लोगों के बिस्तर गर्म नहीं किए, छोटे छोटे रोल किए फिल्मों में। मेरा सच बहुत कड़वा लगता है ना आप लोगों को? नहीं नहीं बिल्कुल, मतलब तनुश्री बोले तो एकदम चमत्कार, राखी सावंत बोले तो बलात्कार है। क्यों? अंग्रेजी में बोलती है, इसलिए तुम आज भी हिंदुस्तान के लोग गुलामी करोगे अंग्रेजों की, गांधी जी ने आजादी देने के बाद भी। तो मैं आपसे एक बात ही कहना चाहता था कि अगर आप एक मैसेज देना चाहें, बिकॉज अभी क्या हुआ है कि पिछले एक महीने में करीबन जिस तरीके से इंडस्ट्री के बारे में जो चीज़ें गई हैं, बहुत से जो जो लड़के लड़कियां हैं जो कि आना चाहते हैं इंडस्ट्री में, और उनके पेरेंट्स उनसे बोलेंगे कि यार इतनी ख़राब जगह है, अगर आप ये बताना चाहें कि भाई पहली बात तो ये है कि सर्टन डूज एंड डोंट्स होने चाहिए, आपको ऑडिशन अगर आपको करना है तो आप प्रोफेशनल तरीके से करिए, अगर आपको कोई भी घर पे बुला रहा है, पेरेंट्स जितने आपको जाना ही नहीं चाहिए घर पे, ये पेरेंट्सों का कसूर है सबसे पहले, जो लड़कियाँ उनको लड़कियों को भेजते हैं मुंबई। अब बहुत सच बात बोल रही हूँ हिंदुस्तान के पेरेंट्स के बारे में, मैं कोई बोलेगा नहीं, ये रोज उनको प्रेशर करते हैं अपनी बेटियों को, बेटों को, अरे तुमको 6 महीने हो गए इंडस्ट्री में जाके, तुमने कुछ किया नहीं,
ये पेरेंट्स लोग जो है ना, ये लड़कियों को बुरा बनने के लिए टॉर्चर करते हैं। क्यों बताएं? 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, तुमको कुछ हुआ नहीं, कुछ मिला नहीं। अब वो लड़की प्रेशर में आ जाती है, मामा कह रहा है, मामी कह रही है, चाचा कह रहा है, चाची कह रही है, तुम कुछ बनी नहीं, मुंबई जाके कर क्या रही हो। अरे तुम लोग को अक्कल होनी चाहिए। मुझे 5-6 साल लगा स्ट्रगल करते करते, हर जगह जाके मैं ऑडिशन करती थी, 5 साल के बाद मुझे काम मिलना शुरू हुआ। 1 साल तो लगता है फिल्म इंडस्ट्री को जानने के लिए कि कहाँ ऑडिशन है, कहाँ कास्टिंग डायरेक्टर है, कहाँ ऑफिस है, समझ रहे हो आप? राइट, लेकिन तो ये पेरेंट्स लोग बच्चों को है ना फोर्स करते हैं, जल्दी करो, तो लड़की डर जाती है कि यार अगर मैंने जल्दी नहीं किया। इतने लड़के लड़कियां बोलते हैं, राखी जी मेरे पेरेंट्स ने मुझे 6 महीने का टाइम दिया, 1 साल का टाइम दिया। मैं हलवा है क्या जो 1 साल में तुमको मिल जाएगा? यहाँ पे नवाजुद्दीन जी या बड़े बड़े हीरो को समय नहीं मिला, सालों साल लग गए। तुमको चांद एक रात में चांद चाहिए क्या हाथ में? राइट, लेकिन मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं नहीं, बिल्कुल आपसे कह रही, मैं आपसे एक बात रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप जो भी एस्पायरिंग जो भी एक्टर्स या एक्ट्रेसेस हैं, अगर उनको आप ये बताना चाहेंगे, एक तो पहली बात तो अगर आपको कोई भी अगर आपको अपने घर पे बुलाता है तो आपको नहीं जाना चाहिए। घर पे कभी नहीं जाना चाहिए। और आज भी मैं 8-9 बजे के बाद कोई ऑडिशन नहीं देती हूँ। ऑडिशन का टाइम होता है मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का। स्क्रीन टेस्ट होता है मॉर्निंग 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक का, 6 से लेके रात को 2-3 बजे तक का स्क्रीन टेस्ट होता है। स्क्रीन टेस्ट मालूम है? स्क्रीन टेस्ट का टाइम अलग और स्किन टेस्ट का टाइम अलग होता है। स्किन टेस्ट क्या होता है राखी जी? ठुकाई। अब ये भी मुझे सिखाना पड़ेगा आपको? नहीं, मुझे वाकई में नहीं बताया राखी जी। हाय हाय मेरे दोस्त, क्या इनोसेंट हो तुम। बट आई एम श्योर स्किन टेस्ट तो वही होता है ना। स्क्रीन टेस्ट जो होता है कैमरे में होता है, स्किन टेस्ट मतलब वही। तो मैं 8 बजे के बाद कोई फोन करता, अबे फोन रख, सुबह फोन करना। मैं ऐसी गंदी लैंग्वेज यूज करती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ हर लड़की को अपनी इज्जत खुद ही बचाना है। और आप कहेंगे राखी आप इतनी कड़क कैसे हो गई है? मैं हो गई हूँ। पर आप हमेशा से? हमेशा नहीं, मुझे बनाया गया है, सबको सामना करना है। अगर ऐसे में कड़क नहीं बनूंगी तो भूखे कुत्ते तो है ही, नोच लेंगे मुझे। राखी जी, आपने ये भी कहा कि दैट जो तनुश्री का ये स्टेटमेंट था कि उन्होंने आपको जो ये बोला कि दैट रिप्लेसमेंट उनकी जो चुनी गई आइटम सॉन्ग के लिए, तो वो राखी सावंत को चुना गया, तो वो जो लोअर क्लास का, उन्होंने कहा दैट मे बी इट कुड हैव बीन समवन मोर क्लासी। आपको ये चीज, आपको काफी तकलीफ हुई उससे? मुझे एक ही बात कहना है, कितनी अनाड़ी है लड़की। जब वो मेरे साथ सेक्स कर रही थी, जब मेरी किस कर रही थी, जब मेरी पूरी तरह ले रही थी, तब उसको मैं लोअर क्लास नजर नहीं आई। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई वॉन्ट टू टेल यू माई फ्रेंड, यशराज बैनर राखी सावंत ने किया है, आईफा अवार्ड अर्जुन कपूर रणवीर सिंह के साथ राखी सावंत ने किया, आमिर खान के साथ काम किया है, शाहरुख खान के साथ काम किया है, सलमान खान के साथ काम किया है। इसने कौन से खान के साथ, एक आधा खान के साथ बताए काम किया है? अमिताभ बच्चन से मैं काम किया है मैंने, ऋतिक रोशन के साथ काम किया है, कॉफी विद करण में आप गई हैं, कॉफी विद करण में गई हूँ, बड़े बड़े स्टार्स आपको, बड़े बड़े स्टारों के साथ काम किया है, इंस्टाग्राम पे आपको फॉलो करते हैं काफी स्टार्स। ओ माय गॉड, तो मैं लो क्लास कहां से हो गई? कौन कहता है मैं लो क्लास हूं? कौन कहता है मेरा क्लास नहीं है? भले मेरा एडुकेशन इंग्लिश में नहीं हुआ, बट मैं फिर भी मैंने मेरे डांस और एक्टिंग में PhD करी है। मैं आम अ डॉक्टर राखी सावंत इन डांस एंड माय एक्टिंग। लोअर क्लास मुझे नहीं, वो अपने आप को समझे। मिस इंडिया बनने से कोई हाई क्लास नहीं हो जाता। मिस इंडिया बन के तुमने देश के लिए किया क्या? क्या किया तुमने? और जो लेस्बियन है, जो जिसने उनको मिस इंडिया को टैग कैसे दे दिया गया, जो ऐसी गंदी गंदी हरकतें करती है भीड़ भीड़ की, उसे कैसे टैग दिया गया? आपने, वो टैग उनसे ले लिया जाए। आपने आपने ड्रग्स का भी आपने इल्जाम आपने लगाया था, और आपने ये भी कहा कि दैट आप सिगरेट में उन्होंने कुछ हरा। अच्छा मुझे बताइए, ड्रग्स किसे कहते हैं? और आपने भी ड्रग्स लिए उनके साथ में, आपने कहा। आप सोचे ना कि मैं अपने आप का कबूल कर रही हूँ, मतलब कितना सच बोल रही हूँ मैं, कि उस सिगरेट में से कुछ चीजें निकाल के उसमें कुछ चीजें भरी गई, असली तंबाकू निकाल के नकली घास भरा गया। घास होता है ना, ग्रीन ग्रास, ग्रास घास क्या ग्रास जो भी है वो भरा गया, और उसका सुट्टा मारने से इंसान फ्लाई होने लगता है। वो गलत था, वो नहीं करना चाहिए, बट मैं भी नहीं थी। मैं बोली मेरी फ्रेंड है, मिस इंडिया है, कुछ कर देरी होगी मेरे मुंह में तो अच्छा ही देरी होगी। अब मुझे क्या मालूम वो पीने से फ्लाई होता है, मैं तो इनोसेंट लड़की थी।
मैंने लिया, उसके साथ मैंने लिया है, मैं क्यों डिनाई करूं कि नहीं मैं सती सावित्री मैंने नहीं लिया, उस 12 साल पहले मैंने लिया। और आपको जो 10 करोड़ का डिफेमेशन का उन्होंने जो केस किया आपके ऊपर, तो आपको नोटिस आपका मिल चुका है उसका? ये डराने की धमकियां हैं, मुझे कोई नोटिस मिला नहीं है। जिस दिन मुझे नोटिस मिलेगा मैं कोर्ट में सारे सबूत पेश करूंगी, एक मेल एक फीमेल, एक ही और एक शी है सबूत। जब उसने मेरे पे सेक्स किया था तो वो दो सामने थे, शी इज अ लेस्बियन। शरीर औरत का होता है लेकिन ख्वाहिशें आदमियों की होती हैं, तभी तो वो उन्होंने बाल मुंडवाए थे मेरे लिए, क्योंकि वो लड़का बनना चाहती थी। एक समझ रहे हो? आपने ये भी कहा शी टू, आपने कहा कि शी टू, हाँ ये मी टू क्या है? शी टू होना चाहिए, ही टू होना चाहिए, हैश मैन टू होना चाहिए। जैसे औरतों को सुनते हो आदमियों को भी सुनो। हिंदुस्तान की बहुत सारी औरतों ने इसको सपोर्ट किया, हाय बेचारी इसके साथ क्या हो। मैं बद्दुआ देती हूँ उन औरतों को, उन लोगों को जिसने बद्दुआ राखी सावंत देती है, उन औरतों को, उन लोगों को जिस जो तनुश्री दत्ता को सपोर्ट किया, वो बद्दुआ देती हूँ कि भगवान करे इनके आदमी के पीछे वो लड़कियाँ पड़े, उनके भाइयों के पीछे, उनके बेटों के पीछे रेप का इल्ज़ाम लगाए, तब उन्हें पता चलेगा कि किसी पे झूठा रेप का इल्ज़ाम लगाना क्या होता है। हमारे लेजेंड नाना पाटेकर जी, मुझे तो इतनी दया आती है, इतना आंखों में आंसू आते हैं। हमारे लेजेंड 45 इंडस्ट्री को दिए, जिन्होंने अच्छा काम किया। जो अच्छा नेक काम करने जाते हैं तो वहाँ कहते हैं ना कि जब आप नेक काम करने जाते हो तो शैतान आता ही है आपको गिराने के लिए, तो एक शैतान तो आई है इंसान के रूप में उनको गिराने के लिए। अच्छा एक चीज ये भी थी, तो इसलिए मैं बद्दुआ देती हूँ उन लोगों को कि जरूर होगा उन लोगों के साथ, तब उनको पता चलेगा कि हमने क्यों सपोर्ट किया तनुश्री दत्ता, क्योंकि वो एक नंबर की झूठी है। एक चीज ये भी सामने आ रही राखी जी के, आपने अनु मलिक जी का जिक्र किया, दैट खैर काफ़ी लोगों ने इल्ज़ाम लगाया अनु मलिक जी के ऊपर, खैर उनकी बात नहीं करते हैं, बट लेकिन जो उनकी फैमिली है ये भी कहा जा रहा है कि दैट साजिद खान पे इल्ज़ाम लगाया गलत है, अनु मलिक जी पे इल्ज़ाम लगाया गलत है, सब पे अभी तक क्यों खामोश बैठे? मैं एक चीज कंप्लीट करूं राखी जी, तो उसमें जो ये एक चीज, एक कुछ रिपोर्ट्स मैंने देखा कि मुझे काफ़ी मतलब अफसोस हुआ इस चीज़ का कि दैट कि उनकी जो वाइफ हैं, उनकी जो बेटियाँ हैं, उनको पता था कि उनके घर में क्या हो रहा है और उन्होंने उसके बारे में कुछ कहा नहीं। तो वो अब जिस तरीके का आजकल माहौल पूरा बन गया है, मुझे मैं सोचता हूँ कि उनके ऊपर क्या गुजर रही है, उनकी जो वाइफ है अंजू मलिक नाम है उनका, उनकी बेटियां। वेरी बैड। आपने देखा था कल मेरे जो एक किस किया था, तो मैं जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाई थी, उस टाइम पे 10-12 साल पहले की बात कर रही हूं। जी उस टाइम पे सब बोलते थे हाय हाय किसी तो किया तुझे, रेप तो नहीं किया ना। अरे उस टाइम मुझे, मैं गढ़ से, मैं हिंदुस्तान की पहली लड़की थी को किस पे भी मैंने केस किया था। कितनी ब्रेव थी मैं। और अनुमली की, अनुमली की बात, वाइफ की बात, मैं उनकी, बिकॉज काफी लड़कियों ने उनके बारे में, अनुमली जी के बारे में बोला है, मैं उनकी। अरे आप म्यूजिक डायरेक्टर हो, अगर मैंने आपके आवाज में दम नहीं है, अगर मैंने आपको चांस नहीं दिया तो आप मीडिया में जाके झूठ बोलोगे? म्यूजिक डायरेक्टर लड़कियों को चांस नहीं देते तो आप बोलेंगे कि आप ये नहीं बोलोगे कि मेरे में दम ही नहीं है? देखो अलीशा चुनाई ने भी कहा है और भी काफी लड़कियों ने कहा है, तो वो तो एक चीज अलग है, लेकिन मैं उनके फैमिली की बात कर रहा हूँ जिनका उसमें कोई लेना देना नहीं है, और अब उनका घर से निकलना मेरे ख्याल से मुश्किल हो गया। क्या गलत है आप किसी आदमी को टारगेट कर, तभी तो मैं आज बोल रही हूँ आदमियों के लिए कि उनके बीवी बच्चे हैं जो 10-15 साल पहले पुराना हो गया, तो तुम आज क्यों निकाल रहे हो, उनको बदनाम कर रहे हो, और कोई क्या कौन सी उनको सजा मिल जाएगी? सबसे पहले कि अक्षय कुमार जी, मैं बहुत आपकी इज्जत करती हूँ, आपको साजिद खान की फिल्म नहीं छोड़नी चाहिए थी, अनु मलिक जी को इंडियन आइडल जी शो से नहीं निकालना चाहिए था जी। ये लोग जज कैसे बन जाते हैं यार? आपने ये भी कहा कि खाप पंचायत बनी हुई है ट्विटर के ऊपर, और कोई भी मतलब ये सोशल मीडिया में खुद ही इंसानी जज बन गया है, अब तो कोर्ट वोट की तो जरूरत ही नहीं है, कोर्ट वर्ड की भी जरूरत नहीं, वहां पे ताला लग जाना चाहिए, क्योंकि इंसान ही खुद जज बन गया है, भगवान बन गया है, मीडिया ही जज और भगवान बन गई है। तो राखी जी, लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना कि कोई भी केस इसमें सच्चा नहीं हो, आप ये तो नहीं कह सकते ना, कुछ तो एक आध होगा, पता भी नहीं, हमें नहीं पता है, हम क्यों जज करें? एक आदमी की सजा पूरे परिवार को मिलती है, ये परिवार जो वो एटलीस्ट उसके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे को स्कूल में जाते हैं, उसके छोटे छोटे बच्चों को बोलते तेरा बाप रेपिस्ट है, जैसे जैसे अमिताभ बच्चन शशि कपूर का, नहीं था मेरा बाप चोर है लिखा था हाथ में,
आपको दुख नहीं हो रहा है? मुझे कितना दुख हो रहा है। और एक तो जिस तरीके से र्यूमर्स के ऊपर सुशांत, ये जनता, जनता करती है ये सब। मैं आज तक जनता से प्यार करती थी लेकिन अब नहीं करूंगी। जैसे सुशांत, ये जनता कैसे 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 डिसीजन ले सकती है? उनके बच्चे नहीं है, उनके बच्चों के पापा को कोई जनता के बच्चों के पापा को बोले तेरा बाप चोर है, रेपिस्ट है, क्रिमिनल है, कैसा लगेगा? वो पहले दूसरों को गाली देने से पहले अपने आप में सोचे ना। कैसे तनुश्री दत्ता को आप सपोर्ट कर रहे हो घर में बैठ के? मेरा दिल रो रहा है इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि मैंने इंडस्ट्री में गंदगी जो मैंने देखी अपनी आंखों से, लड़कियां फैला रही है। राइट, सुशांत सिंह राजपूत जैसे मैं बात करूं तो अब ये इस तरीके की एक रूमर उड़ गई कि उनके जो संजना, उनके जो को स्टार हैं, उनकी जो एक फिल्म आने वाली है तो उसमें कुछ उनके साथ में, मतलब उन्होंने ऐसा किया, इसके तो अनकंफर्टेबल हुई वो, एंड वो फिर बाद में उन्होंने डिनाई भी किया उस चीज को कि ऐसा कुछ नहीं था, ये बेसलेस। लेकिन अब उसकी तो सुशांत, हाँ सुशांत की तो वो, उसकी तो बदनामी हो गई। सुशांत सिंह राजपूत, धोनी जो किया था, सुशांत सिंह राजपूत मेरा फ्रेंड है, मैंने उनके साथ पूरा रियलिटी शोज किया है। वो गाय है, गाय शर्मिला, गाय होता ना गाय, शर्मिला शर्मिला इंसान है वो, लड़की की तरफ वो आंख उठा के भी नहीं देखता। वो उसके रोमांटिक सीन पे मत जाइए, वो तो कैमरे के सामने हर किसी को करना ही पड़ता है। लेकिन अब तो ये बन गया ना, अब तो कि भाई ये अगर र्यूमर आई है तो, हाँ र्यूमर आई है तो कुछ ना कुछ शायद सच्चाई होगी कहीं ना कहीं। अब तो जब संजना ने उसको डिनाई किया है कि ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन ये कि अब बदनामी हो गई जी। ये लड़कियों को क्यों ऐसा समझ में नहीं आता कि एक दिन उनकी शादियां होने वाली है? क्यों झूठ का सहारा ले रही है? कल उनके पति, उनके सास ससुर उनको ताना नहीं देंगे जी। अरे तुमको तो छेड़ा गया था, ये हिंदुस्तानी कल्चर है, ये शादी के बाद एक बार पॉइंट आउट जरूर करते हैं। अरे तुमको कहां कहां टच किया था? पति है ना, रात के सुहागरात को ही पूछ लेता है कहां कहां क्या क्या हुआ था। कैसे फेस करेगी अपने पति को या अपने ससुराल वालों को? आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूं जी? क्योंकि हिंदुस्तान का कल्चर है, हिंदुस्तान के लक्ष्मण रेखाएं हैं, हम लोग अभी भी वेस्टर्न जमाने के नहीं हुए हैं। अच्छा आलोक नाथ जी की बात करें, आपको लगता है कि वो रेपिस्ट हो सकते हैं? अरे बाप रे प्रभु, आलोक नाथ जी के बारे में क्या बोलूं मैं? अब आपको हंसी आएगी जब मैं बोलूंगी तो। मैं उनके साथ भी काम किया है, इतने सीधे इंसान है। ये कहते हैं कि सीधे तो है कि शराब पीने के बाद थोड़ा सा वो कुछ मुख्तलिफ हो जाते हैं, कुछ अलग हो जाते हैं, ऐसा कुछ? अरे आलोक नाथ जी शराब पिए या कुछ भी पिए, जिनका जवानी में कुछ नहीं हुआ हो वो बुढ़ापे में क्या करेंगे? और आप जिन्होंने कंप्लेंट करी उनको, उनको देखा है आपने? वो तो फूक मारेगी तो आलोक जी उड़ जाएंगे। एक कोई लेडी है जी जी जी, विंता नंदा, हाँ उनको देखा है आपने? वो कहां से उनका रेप हो सकता है या उनको कहां से छेड़ा जा सकता है? 19 साल पहले की बात है, 19 साल पहले की बात है। अच्छा, और उन्होंने उस वक्त उनको याद रहा 19-20 साल पुरानी बात? मतलब अभी मैं कहूंगी कि बस अभी थोड़े दिनों में एके हंगल जी पे भी रेप का आरोप आने वाला है, अशोक कुमार जी पे भी आने वाला है। विनोद दुआ बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, 30 साल पुराना केस है उनके ऊपर। विनोद दुआ जी, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। 30 साल पुराना उनके ऊपर एक इल्जाम है कि 30 साल पहले उन्होंने कुछ किया था। इतने सीनियर जर्नलिस्ट है वो, 30 साल पहले, 32 साल पहले, दो हैं। अर्णव गोस्वामी में कोई कांड नहीं किए? वो तो सबसे ज्यादा उत्तेजित लगते हैं, इसको एकदम गोद के बाजू में बिठा बिठा के इंटरव्यू ले रहे हैं अंग्रेजी में। अर्णव गोस्वामी जी कैसे हुआ? तो उनका चैनल तो कितना सच्चा है, वो तो कितने अच्छे रिपोर्टर है, वो झूठ का साथ कैसे दे रहे हैं? लेकिन अच्छा राखी जी, क्या आपको लग रहा है कि इसके सारा जो जो हो रहा है जिस तरीके से कि कहीं से भी अगर चार आदमी आए कहे एक औरत ने मेरा रेप किया है, क्या आप लोग मानोगे? मैं आपको कहती हूं मेरे दोस्त, क्या आपको पता औरत भी रेप कर सकती है? कर सकती है। नहीं, इस तरीके काफी एग्जांपल्स हैं कि औरतों ने भी शोषण किया है, ये भी इस तरीके। अगर औरत रेप नहीं करती तो BA Pass 2 BA Pass 1 नहीं बनता। आप देखिए कॉले कॉले लड़कों के पर क्या बोलूं अभी मैं? नहीं लेकिन देखिए आपको बात अभी मैं चुभूंगी क्योंकि मैं सच बोल नहीं राखी जी, मैं आपसे ये बात पूछना चाह रहा हूं। देखिए मसला क्या है कि दैट आप भी एक औरत हैं
और द फैक्ट जैसे आपने कहा कि गांव में जो जो गलत होता है और बहुत सी जो जो कभी रिपोर्ट नहीं होती, जानवर है ना, जो रिपोर्ट नहीं होती, तो जो एक जो जेन्युइन केसेस, सर मेरी बात सुनो, जेन्युइन केसेस अफेक्ट हो रहे हैं सर, वो सेक्स ऐसा जानवर है ना, जब वो आता है ना तो क्या औरत क्या आदमी वो समझ में नहीं आता। और इन सब गंदगी के पीछे ना ये तनुश्री दत्ता ने अमेरिका से #MeToo की गंदगी लाके इंडस्ट्री को खराब कर दिया, बदनाम कर दिया, गंद उसकी दिमाग में जितनी गंदगी थी उसने पूरी फैला दी है। करेक्ट। और गड़े मुर्दे उखड़ रहे हैं। थोड़े दिनों में तो जो बड़े पुरानी हीरोइन ने उनको कब्र में गाड़ दिया है वो भी उठ के आएगी और कहेगी कि उनके साथ क्या हुआ। और जो असली रेप कांड है वो तो छुप गए। Exactly, जो अभी कानून तो यकीन भी नहीं करेगा। रियल केसेस हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं उसमें। आपको पता है कितनी गलत बात है, फिल्मों में ऐसे सीन दिखाए जाते हैं कि रेप होने के बाद लड़की को मार देते हैं। अब हिंदुस्तान के लोगों के दिमाग में वही आया है, फिल्मों में कुछ बंद करना है तो रेप सीन्स बंद करो, ये सबूत ही छोड़ते नहीं है। लड़की को सरिया कर देते हैं या मुंह तोड़ देते या मार देते गला घोट कर रेप करने के बाद, ये सीन्स बंद करो ना। आपने कास्टिंग डायरेक्टर्स के बारे में भी कुछ कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगर आप उसके बारे में भी कुछ कहना चाहेंगे, दैट इट ऑल स्टार्स, बहुत सारे कुछ एक कास्टिंग डायरेक्टर हरामखोर है, कुछ के नाम आए सामने, वो हरामखोर है। कुछ एक कास्टिंग डायरेक्टर जो गांव से नई नई लड़की आती है ना, उनको ये पहले बोलते हैं कि पहले हम करेंगे यहाँ पे, ये मेन हीरोइन मैं तुमको बना दूंगा सीरियल की, सीरियल हो या फिल्म हो या एड हो या न्यूज हो या फैशन डिजाइन हो या पॉलिटिक्स हो, लड़कियां तो हर जगह बर्बाद होती है, कहाँ रोकोगे लड़कियों को। लेकिन 99% अपनी मर्जी से लड़कियां करती है, 99%। आपने ये भी कहा है, लड़कियां मुझे पता है बहुत गुस्सा करेगी मुझ पे, लेकिन उनके अंतर आत्मा में जाओ और सोचो कि मैं कितना सच कह रही हूं। किसी ना किसी लड़की ने कॉम्प्रोमाइज किया ही है आगे बढ़ने के लिए। राखी जी, आपने ये भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा कि दैट जैसे बेटी बचाओ का एक स्लोगन है, तो आप कहती हैं कि क्या आज के टाइम पे होना चाहिए कि दैट मर्दों को बचाओ, तो ये कुछ ज्यादा हो जाएगा राखी जी, मर्दों को क्या प्रॉब्लम, मर्दों को ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि दैट आप इस तरीके की बात, आपका सवाल का जवाब आपके पास में, मर्दों को बचाओ, अनु मलिक जी के साथ क्या हुआ, देखिए उनकी बीवी को घर से बाहर निकलना दुश्वार हो गया, उनके बच्चों को स्कूल में जाना दुश्वार हो गया, इसीलिए मैं कह रही हूँ मर्दों को बचाओ, इनोसेंट मर्दों को बचाओ। कोर्ट में जाओ ना, मीडिया में क्या है, कोर्ट में जाओ ना, सबूत दो ना, बगैर सबूत के तुम क्या चिल्लाओगी। जी जी, जैसे मोदी जी के बारे में मैंने बोला अभी, ही इज ए इनोसेंट, वो सिर्फ देशभक्ति में लगे पड़े हैं, उनको सिर्फ एक ही है कि मैं देश को आजाद कैसे करूं, सेक्स वेक्स का ख्याल तो उनके दिमाग में भी नहीं आता होगा। ऐसा होता तो उनकी वाइफ उनके साथ नहीं होती। राइट। मुझे बोलने का अधिकार नहीं है हमारे पीएम के बारे में, लेकिन मैं एक उदाहरण दिया, एग्जांपल देना कोई बुरी बात नहीं है। एक्सक्यूज मी। ओके राखी जी, जो आपका भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसीलिए मैंने कहा मोदी जी बेटी बचाओ बेटी बचाओ, ठीक है बेटी बचाओ उनके लिए जो गांव में इनोसेंट चार चार पांच पांच साल की बच्चियों के लिए बेटी बचाओ है, फिल्म इंडस्ट्री की लड़कियों के लिए नहीं है। अब मैंने कहा कि आदमी बचाओ, फिल्म इंडस्ट्री के आदमियों को बचाओ। अब तो जर्नलिस्ट पे भी मैं ये अपना गोस्वामी, क्या नाम है, अर्णव गोस्वामी जी, मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ तनुश्री दत्ता को आप अपने घर में रखिए, आपकी बीवी के सामने अगर शादीशुदा है तो भगवान कसम एक महीने में वो आप पे रेप का आरोप लगाएगी, वो इसकी उसकी इतनी सटकी हुई है आप में हिम्मत तो आप रखिए एक महीना उसको घर में। राखी जी, आपने ये भी एक बात कही कि दैट जिस तरीके की सारी चीजें हुई हैं पिछले एक महीने में, तो अभी मैं तो मुझे आज अपनी बेइज्जती कर रही हूँ मैं न्यूज चैनलों में, मुझे शर्म आ रही है, मुझे दुख हो रहा है कहते हुए कि मेरा बलात्कार हुआ है, लोग मुझे राखी सावंत पूछते हैं क्या क्या कहते हैं डेरिंग, लेकिन जो भी हुआ मेरे साथ 12 साल पहले हुआ, इनोसेंट थी मैं, मुझे मैं बोली लड़की के साथ तो मैं सेफ ही हूँ ना, लड़की क्या कर लेगी, लेकिन मुझे तो अक्ल भी नहीं थी, मैं इनोसेंट थी, मुझे क्या पता था कि लड़की भी कर सकती है। आपने ये भी एक बात कही कि दैट जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं तो अभी लड़कियों को फिल्म इंडस्ट्री में काम मिलने में दुश्वारी होगी, ये आपने क्यों कहा? इसीलिए क्योंकि हर प्रोड्यूसर डर गया ना, उनको उनका परिवार है। दलीप ताहिर जी ने कुछ वीडियो पे कंसेंट लिया अभी किसी सीन के लिए, एक वेब सीरीज के लिए, उन्होंने कहा कि जो भी एक उनके साथ में एक्ट्रेस थी कि आप एक मुझे रिटर्न दीजिए कंसेंट
और एक हर लड़कियों का एग्रीमेंट कड़क बनना चाहिए प्रोड्यूसर करे कि उसे ऐसे सीन्स लिखवाने पड़ेंगे। और पहली बात तो प्रोड्यूसर लड़कियों से मिले ही नहीं, कास्टिंग डायरेक्टर मिले, डायरेक्टर मिले, और वो भी ऑफिस में मिले, सीसी कैमरा चारों तरफ खुला रखे, करेक्ट, सेट में भी सीसी कैमरा रखे, सीसीटीवी कैमरा, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबूत रखे कि भैया हमने लड़की को नहीं छुआ है, अपने बचाव करे, और जब भी लड़की से बात करे फोन चालू रखे चुपचाप, रिकॉर्ड रखे, हाँ रिकॉर्ड, क्योंकि लड़की खुद ही सामने से बोलेगी सर मेरे साथ जो भी करना है कर लो, कितने बजे रात को आऊं, लड़की खुद बोलेगी देखना, मैं आप लोग को आइडिया दे रही हूं आदमियों को, मेरा भी भाई है, मेरे भी पिता थे, मेरे भी लोग हैं, मेरे भी भाई बहनों के बच्चे हैं, पूरा परिवार चलाया आपने। हाँ राखी जी, कुछ मैंने ट्विटर मैंने से इतना बड़ा इल्जाम उस पे लिया है तो उन पे क्या बीत रही होगी। मेरा भाई ने मुझे कहा, राकेश सावंत ने, मेरा भाई है, आई गर्व माय भाई, मेरी माँ, कि अगर तेरे साथ कुछ गलत हुआ तो जाके बोल, हम तेरे साथ है, परिवार तेरे साथ खड़ा है। राखी बहुत गर्व है मेरे परिवार के ऊपर मुझे। डेफिनेटली राखी जी, कुछ जो लोगों के जो ओपिनियंस आई हैं आपके बारे में ट्विटर के ऊपर, तो मैंने कुछ हम लोगों ने ट्वीट्स हम लोगों ने लिए हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लोग मुझे जज नहीं कर सकते, मुझे पता है मेरे बारे में बुरा बोल रहे हैं। आप सुन तो लीजिए ये कुमार कह रहे हैं कि ना द सेम पीपल बर्निंग एंड अब्यूजिंग राखी सावंत बिकॉज शी हैज अलेज्ड अ वुमन एंड दीस पीपल आर हैप्पी व्हेन अ वुमन वुमन अलेजिंग एनी मैन। आई सपोर्ट राखी सावंत फॉर अ डेयर, दिस सोसाइटी हैज बिकम मैन हेटर। ये बेसिकली कह रहे हैं कि दैट ये सोसाइटी जो है अब्यूज कर रही है राखी सावंत को, बिकॉज उन्होंने एक ये कहा है कि दैट किसी एक औरत ने उनके साथ में गलत किया है, लेकिन अगर जो औरतें हैं अगर वो मर्दों के खिलाफ अगर कह रही हैं तो उनको कुछ कुछ नहीं कहा जाता है, और ये सोसाइटी जो है वो मर्दों के, ये भाड़ में जाए सोसाइटी होता है वो सोसाइटी सब हमें, ये सोसाइटी मेरा टैक्स भरने नहीं आती है, सोसाइटी मुझे जब भूख लगती है, मेरे परिवार को भूख लगती है, खाना खिलाने नहीं आती है, सब लोग भाड़ में जाए। मुझे इसीलिए गुस्सा आ रहा है कि तनुषी की बातों पर यकीन कर लेते हैं, और सोसाइटी के भाई बहन भाइयों पे और बेटों पे और पतियों पे इल्ज़ाम नहीं लगा, इसलिए मुझे क्रिटिसाइज़ कर रही है। आई रियली डोंट केयर, बट जिन्होंने ये मैसेज किया उसके लिए धन्यवाद कि एटलीस्ट आपने मुझे सपोर्ट किया और आपने मेरी बात को रखा, धन्यवाद। विनोद कुमार गुप्ता जी हैं, वो कह रहे हैं कि दैट शी सीम्स टू हैव बीन प्रेशर्ड बाय समवन टू लेवल बिजार चार्जेस अगेंस्ट मिस दत्ता टू डाइवर्ट अटेंशन, लेट इट बी थरोली इन्वेस्टिगेटेड। वो कह रहे हैं कि आपको ऊपर किसी तरीके का प्रेशर लग रहा है कि आपने इस तरीके के इल्ज़ामात तनुषी पे लगाए हैं और इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। नहीं, मेरे पे मैं इन्वेस्टिगेशन करे, पुलिस कोर्ट सब करे, सीबीआई करे, मैं कहती हूँ, और कैसे करेगी सीबीआई सब, मेरे अंदर घुसेगी क्या? कोई घुस तो नहीं सकता ना, कैसे करेंगे? आप लोग कहते हो जब आप पे कुछ बुरा हुआ है तो बोलो, अभी 12 साल पहले जो मेरे साथ हुआ कैसे होगा, कौन मुझे न्याय दिलाएगा बताइए? और मेरे पे कोई प्रेशर नहीं है, कुछ प्रेशर नहीं है, मैंने अपने दिल से जो भी कहा मैंने कहा है और निडरता से कहा है बगैर डरे, क्योंकि टैक्स मैं भी भरती हूँ, आप भी भरते हैं, जितना न्यूज़ चैनलों में भीड़ में लोग बैठ के उतना अधिकार है उनको बोलने का, उतना अधिकार मुझे भी है बोलने का, कोई मुझे जज ना करे। बंजारा घोड़ा कह रहे हैं कि आई ट्रस्ट राखी सावंत, शी इज अ वुमन एंड इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल दैट शी कैन लाई। मैं राखी सावंत पे भरोसा करता हूँ। हाँ, मैं समझ गई, धन्यवाद। दूसरी चीज़ ये है कि कम ऑन पीपल, वी शुड सपोर्ट हर लाइक वी सपोर्टेड तनुश्री दत्ता एंड कंगना रनौत, इट्स कमेंडेबल दैट शी स्पीकिंग नाउ, मैड रिस्पेक्ट फॉर राखी। जिस तरीके से लोगों ने तनुश्री और कंगना पे भरोसा किया है, वैसे हमें राखी पे भी भरोसा करना चाहिए। धन्यवाद, धन्यवाद सो मच, आपने मुझे भरोसा किया। लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा कि मैं जो लड़ाई लड़ रही हूँ, मेरा भी ये एक वॉर है, मुझे भी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, स्पेशली औरतें। मैंने जिंदगी भर औरतों को रिस्पेक्ट किया है, जिंदगी भर औरतों का साथ दिया है, फीमेल्स का, लेकिन जहां औरतें गलत हैं वहां मैं साथ नहीं दूंगी। लोगों को लगता है कि खरबूजा है, ये चाकू है, चाकू खरबूजा पे गिरे या ऐसे गिरे, ये गलत है। क्यों हमेशा तुम चाकू को ही कसूरवार ठहराते हो, टारगेट करते हो? खरबूजा भी तो गिर सकता है, एक्सक्यूज मी, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूं? बिल्कुल। इंटॉलरेंट सुनील कह रहे हैं कि नहले पे दहला, तनुश्री दत्ता थॉट शी इज स्मार्ट इन लेबलिंग चार्जेस अगेंस्ट नाना पाटेकर टू गेन चीप पब्लिसिटी। मतलब उनका कहना ये कि आपने नहले पे दहला, आपने तनुश्री पे, धन्यवाद तनुश्री दत्ता, तुम्हें लगा तुम न्यूज़ चैनल में तैयार होके जा रही हो और अपनी भड़ास निकाल रही हो, क्योंकि तुम्हें इंडस्ट्री में खड़ा नहीं किया, इंडस्ट्री ने तुम्हें काम नहीं दिया,
और तुमने मेरा बलात्कार किया। अब बताइए ना, इसने मेरा बलात्कार किया, कौन सा लड़का मेरा हाथ पकड़ेगा, कौन मुझसे शादी करेगा, बताइए। है एक अच्छा लड़का? बताइए कितना मैंने अपने अंदर की बात मैंने कही है। अगर कल मेरी शादी हो जाती तो जिंदगी भर मुझे सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा ना जी। लेकिन मैंने फिर भी आके बोला, क्यों? इसके जबान बंद करने के लिए, तनुश्री की, कि वो कैसी, कितना, कितने हद तक वो कितनी यू नो नीचे जा चुकी है। ये जो बड़ा ऊंचा नाक लेके बात करती है ना, इसलिए मुझे झुकना पड़ा, अपने आप को गिराना पड़ा, दुनिया के सामने आके मुझे बोलना पड़ा। ओके, संजना सिंह कह रही है, इसकी जबान बंद करने के लिए। राखी जी, संजना सिंह कह रही हैं कि वॉट अ वेस्ट, लाई आफ्टर लाई टू गेट मीडिया अटेंशन। इनका कहना यह है कि आप झूठ बोल रही हैं और सिर्फ मीडिया अटेंशन। हाँ, आपने ये सब किया। संजना, जाकर तनुश्री को बोलो तुम्हारे में गर्ज है तो मुझे मत बोलो, मैं तो गर्ज रखती हूं हिम्मत, मुझे मीडिया की अटेंशन कभी नहीं चाहिए झूठ बोलकर। मीडिया तो मेरे साथ तब से है जब से मैंने इंडस्ट्री में कदम रखा था, और मैं जो भी बोलती हूं हाईलाइट हो जाता है। उतना प्रभु ने मुझे, परमेश्वर ने मुझे दिमाग दिया है अपनी रोजी रोटी कैसे चलानी है। मुझ में डांस और एक्टिंग का टैलेंट है, मैं आइटम सॉन्ग करके अपना पेट भरती हूँ इतना सा कमा के। मुझे मीडिया में जाने की कोई जरूरत नहीं। पहले गंदगी फैलाई तुम्हारी तनुश्री ने, मिस इंडिया ने गंदगी फैलाई, उसको खामोश करने वाला कोई तो होना चाहिए। राइट, आशुतोष कह रहे हैं कि वुमन वर्सेस वुमन। राइट, दिस इज रियली वेरी ट्रेजिक, वी आर विद यू राखी इन दिस फाइट, आशुतोष कह रहे हैं। थैंक यू आशुतोष। आशुतोष, मैं किसी भी मर्द को नहीं बोलती मेरा सपोर्ट करो, कोई मेरा सपोर्ट ना करो। जो सच मैंने बोला है वो बोला है, वो मेरा ईश्वर जानता है। मैं अभी मैं एकदम बदल चुकी हूँ, मैं परमेश्वर में हूँ, मैं प्रभु यीशु में हूँ, मैं अपने आप को समर्पित कर सकती कर दिया है। मैं अभी ना सेक्स करती हूँ, ना किसिंग करती हूँ, ना कोई सेक्स करती नहीं हूँ मैं। पिछले ढाई तीन साल से तो मैंने कोई सेक्स भी नहीं किया होगा शायद। मैं अपने आप को वो कर चुकी हूँ, डाइवर्ट गॉड में। और सबसे अब तुम पूछोगे ढाई तीन साल पहले किसी के साथ किया था, जीसस, ये मत पूछना प्लीज। जीसस जीसस की भी बात करती हैं और मैं चेंज हो चुकी हूँ। गणेश जी की बात करती हैं, मैं चेंज हो चुकी हूँ, मैं प्रभु में लीन हो चुकी हूँ। मैंने झूठा झूठा बाल नहीं मुड़वाए हैं, उसने बाल मुड़वाए थे, टकली हुई थी मेरे प्यार में और आश्रम में जाकर बैठ गई थी क्योंकि मिक्का ने मुझे किस कर लिया था। वो कहती कि मैं ही सुबह तुम्हें सिर्फ किस कर सकती हूँ, मिक्का नहीं कर सकता, तो गलत बात है ना। तो मैं अभी प्रभु में हूँ, मैं कोई सेक्स नहीं करती, मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं प्रभु में हूँ। मैं डायरेक्ट शादी करूँगी, मेरा शरीर एक टेम्पल है, मेरा शरीर एक मंदिर है, मुझे इसको क्लीन रखना है। मेरा शरीर एक मंदिर है, मुझे इसकी पूजा करनी है। मेरे अंदर प्रभु वास करते हैं। प्रभु कहता है कि तुम मंदिरों में क्यों घूमते हो, तुम्हारा शरीर एक मंदिर है, तो मेरा शरीर टेम्पल है, मुझे इसको क्लीन रखना है। तो मैं अंदर से मेरी आत्मा और मेरे शरीर को क्लीन रखती हूँ, और ना ही मैं कोई सेक्स करती हूँ, ना पोर्न फिल्में देखती हूँ। मैं मेरी जो रोजी रोटी है खाने के लिए, सारे टैक्स भरने के लिए मैं अंग प्रदर्शन करती हूँ और फिल्मों में जाके छोटे छोटे कपड़े पहनती हूँ। आपने मेरा एक ताले का वीडियो भी देखा होगा। जी 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 हाँ, ये ताले का वीडियो मैंने इसलिए बनाया, हर लड़की कहती है ये हो गया वो हो गया, तो भैया ताला लगा के निकलो, चाबी घर में छोड़ के आओ। लेकिन मर्द ऐसा क्यों ना करें कि मर्द जो है अपने को कंट्रोल, मर्द भी ताला लगाए, पैंट के अंदर ताला लगा के निकलो, बीवी और चाबी जो है बीवी के हाथ में होनी चाहिए। तुम सुबह जाओ ताला लगा के, रात को बीवी ताला खोलेगी या गर्लफ्रेंड ताला खोलेगी। ये ताला बहुत सही है, ऐसे बाबा रामदेव जी आप ताले वाली पैंटी, वेजिटेरियन पैंटी बनाए, ब्रा और पैंटी बनाए बाबा रामदेव जी पतंजलि की। मैं चाहती हूं ताकि सब सुरक्षित रहेंगे, देश पूरा सुरक्षित रहेगा। आप बनाते हो ना ये सब चीजें, बालों का, दांत का, एक भी प्रोडक्ट आपने छोड़ा नहीं। ये ताले पैंटी वाली जो है ना, ब्रा और पैंटी बनाए आप वेजिटेरियन, ऐसा लॉक लगे कि आंखों में उसका सेंसर हो, ऐसे करे तो खुल जाए, ऐसे करे तो बंद हो जाए। हाय, दिस इज राखी सावंत एंड यू आर वॉचिंग बॉलीवुड हंगामा.com। कीप वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।